चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशंस ऑफ VBT। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की जिनका कॉन्फ़िगरेशन D1, D2 और D3 होता है। सबसे पहले लेते हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन, जिसका एग्जांपल है Ti+3। इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम D2 की बात करें तो उसका एक अच्छा एग्जांपल है V3+ आयन। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है और इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर बात करें D3 कॉन्फ़िगरेशन की तो उसका अच्छा एग्जांपल है Cr3+ आयन। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है और इसमें तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि 3D ऑर्बिटल कम डिफ्यूज होता है और इनकी एनर्जी भी 4D से कम होती है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इफेक्टिव होता है। यही कारण है कि D1, D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होते हैं। चलिए अब बात करते हैं D4, D5 और D6 कॉन्फ़िगरेशंस की। अगर हम D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं Cr2+ या Mn3+, और ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4, 4s0, 4p0। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है और इससे जो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स यूज होते हैं वो होते हैं 3d के 2 ऑर्बिटल, 1 4s ऑर्बिटल और 3 4p ऑर्बिटल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं Mn2+ और Fe3+। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5, 4s0, 4p0। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है और उससे हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में दो 3d ऑर्बिटल, एक 4s ऑर्बिटल और 3 4p ऑर्बिटल यूज होते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं Fe2+ और CO3+। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7, 4s0, 4p0। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है तो उससे हमें जो कॉन्फ़िगरेशन मिलती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स यूज होते हैं वो होते हैं दो ऑर्बिटल्स 3d के, एक ऑर्बिटल 4s का और 3 ऑर्बिटल्स 4p के। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट अगर हम D4, D5 और D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक डेटा D6 कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो D4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनमें अगर पेयरिंग ना होने के बजाय ये आउटर डी ऑर्बिटल का यूज़ करके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करें तो उससे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसका एग्जांपल है MnCl6-3-। आप नोट कर सकते हैं कि इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर D4 कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग हो जाए तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे MnCn6-3-। आप नोट कर सकते हैं कि इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखते हैं D5 कॉम्प्लेक्सेस का केस। अगर पेयरिंग ना होकर आउटर डी ऑर्बिटल का यूज किया जाए तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे कि Fe F6-3-। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर D5 कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग हो जाती है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है
जैसे कि FeCN6-3-. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब D6 कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं। अगर ये अपने आउटर ऑर्बिटल का यूज़ करते हैं तो उसके कारण sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे कि COF6-3-. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है तब ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे कि CO C2O4 का होल थ्राइज 3-. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं कि VBT ने कॉम्प्लेक्सेस को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया। तो चलिए देखते हैं कि VBT में क्या क्या कमियां थी, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी की जो सबसे पहली कमी थी वो ये थी कि इस थ्योरी में बहुत सारे एजम्पशंस थे, यानी कि हमारे पास प्रैक्टिकल डेटा कम था और हमने बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम किया था। दी सेकेंड लिमिटेशन इज कि ये थ्योरी क्वांटिटेटिव रूप से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझा नहीं पाती है। इसके अलावा जो एक बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि ये थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ये थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी को भी नहीं समझाती है। इसका एक एग्जांपल ये है कि जब हेक्साएमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, इसके बावजूद भी ये कंपाउंड स्टेबल क्यों है। ये थ्योरी इस बात को भी नहीं समझाती है कि अगर मान लो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो कंपाउंड टेट्राहेड्रल होना चाहिए या स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। ये थ्योरी सभी लिगेंड्स को एक साथ लेकर के चलती है, ये नहीं बताती कि कौन कौन से लिगेंड्स स्ट्रांग हैं और कौन कौन से लिगेंड्स वीक हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि MnCN6+3 जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि MnCl6+3 कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा क्यों है, जबकि दोनों में ही मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है और मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो भी सेम है।